हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कांग्रेस विधायक व समर्थकों के साथ हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस प्रशासन व भाजपा पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत का कहना है कि जब से भाजपा के पूर्व विधायक को हार का मुंह देखना पड़ा है और कांग्रेस को जनता ने जिताया है, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाजायज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्यामपुर क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता का घर तोड़ दिया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के द्वारा गलत तरीके से महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिसका वीडियो एविडेंस के तौर पर उनके पास भी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इन सब पर अंकुश ना लगा और कार्रवाई ना की गई तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा, जो आगे चलकर आंदोलन का रूप भी ले सकता है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की जीत से बौखला गई है और मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं से अनजान बन रहे हैं। जब से 10 तारीख से रिजल्ट आया है कांग्रेस के पक्ष में हरिद्वार ग्रामीण में, तब से लगातार जो है कांग्रेसी वर्कर्स का और आम जन को जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वहाँ के लोकल थाने और चौकी में है उनको बुला के हैरेस किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो परिवार है श्यामपुर में, वो करीब करीब 65 साल से पुनवास करता आ रहा है, और हमने आपके कांग्रेस को वोट दिया। सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये है, स्वामी यतीश्वरन वहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमने आपके उनको हराने का काम किया, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पीड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले होली के दिन हमारे वहाँ पे कुछ लोग